हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी न्यूज आ चुकी है, यूजीसी मर्ज नीट जेई मेन इन सीयूईटी। मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए अब देना हो सकता है सिंगल एग्जाम, जाने तमाम डिटेल। तो दोस्तों, क्या है पूरी डिटेल हम जान लेते हैं। यूजीसी प्लान टू मर्ज नीट जेई मेन इन सीयूईटी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट सीयूईटी यूजी में मर्ज करने पर विचार कर रहा है। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि प्रस्ताव के अनुसार तीन प्रवेश परीक्षाओं में चार विषयों गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के लिए उपस्थित होने के बजाय छात्र एक बार परीक्षा दे सकते हैं और अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए योग्य हो सकते हैं। हायर एजुकेशन रेगुलेटरी आम सहमति को लेकर स्टेक होल्डर के साथ विचार विमर्श करने के लिए एक समिति तैयार कर रहा है। मैंने आपको दोस्तों पहले भी इन्फॉर्म किया था कि नीट एग्जाम बंद हो सकता है, लेकिन आप सभी ने माना नहीं था। फाइनली न्यूज आ चुकी है। यूजीसी के अध्यक्ष ने आगे कहा, प्रस्ताव यह है कि क्या हम इन सभी प्रवेश परीक्षाओं को एकीकृत कर सकते हैं ताकि हमारे छात्रों को एक ही ज्ञान के आधार पर कई प्रवेश परीक्षाओं के अधीन न किया जाए। छात्रों के पास एक सिंगल प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन विषयों के बीच आवेदन करने के कई अवसर होने चाहिए। इंजीनियरिंग प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा, मेडिकल प्रवेश नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस एग्जाम, अंडर ग्रेजुएट यानी सीयूईटी यूजी देश में तीन प्रमुख प्रवेश परीक्षाएं हैं। इसमें करीब 43 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना थी। अधिकांश छात्र इनमें से कम दो परीक्षाओं में शामिल होते हैं। उम्मीदवार जेई मेन्स के भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के लिए उपस्थित होते हैं, जबकि नीट यूजी में जीव विज्ञान गणित की जगह लेता है। ये विषय सीयूईटी यूजी के 61 डोमेन विषयों का भी हिस्सा है। तो दोस्तों, जब एक एग्जाम हो जाएगा वहां पर बस दो ही तब्दीली होगी, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनको मैथ्स की जगह बायोलॉजी दिया जाएगा और जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनको मैथ्स दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है, इसके ऊपर राय जरूर दें। बाकी अभी तक ये जो है ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले नियर फ्यूचर में हो सकता है कि 2023 में आपको सीयूईटी ही देना पड़े नीट और जेई की जगह। इससे दोस्तों ये भी फंडा मिट जाएगा कि जेई मेन्स चार चार बार हो रहा है और आपका नीट एग्जाम एक ही बार हो रहा है, तो दोस्तों ये भी कोई चक्कर नहीं रहेगा। आपका क्या मानना है, इसके ऊपर राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।